आज लगातार 10वां दिन हो गया धरने का, अब क्या करेंगे, आगे कैसे जाएंगे, क्या लगातार ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ और नई चीज करने वाले हैं आप? बिल्कुल, अभी नई चीज कोई नहीं करने वाले, अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमने अपने फौजियों का, सबको, सैनिकों का भी दम देखना है और सरकार का भी दम देखना है। हम जिहड़े फौजी हैं, जब बॉर्डरों के ऊपर तैनात होते हैं ना, भाएँ वो लड़ाई कितनी देर भी चले, अभी आप जे एंड के भी देख ही रहे हो, कब से 90 से जो CIA ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ हमारे फौजी डटे हुए हैं 91 से लेकर। और ऐसे ही हमारे जिहड़े जवान सरहदों के ऊपर है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। और हम ये कोई हमारी सरकार के साथ वो वाली लड़ाई नहीं है बॉर्डर वाली, हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हमारे को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो आर्टिकल 14 में हमारे को समानता का अधिकार दिया है, उन समानता के अधिकारों के लिए हम यहाँ आए हैं, अपनी हक की मंगा के लिए। क्योंकि जब बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध नहीं देती है, तो हम तो सरकार के आगे, सरकार हमारी माँ है, हम माँ के आगे रोने आए हैं कि हमारे भी अधिकार बनते हैं, हमारे को भी समानता का अधिकार है, हमारे को भी जो है इक्वल MSP चाहिए, इक्वल डिसबिलिटी चाहिए, जो कि यूरोप कंट्रियों में है। हमारे को जो पे फैक्टर है, जो 7वां कमीशन है, जिसकी वजह से इक्वल MSP की वजह से, इक्वल पे फैक्टर की वजह से ही हमारे को ORP सेकंड में जो है हमारे जवानों का नुकसान हुआ है, हमारे शहीद परिवारों का नुकसान हुआ है, हमारी वीर नारियां जो विडो भैन है उनका नुकसान, उनको बिल्कुल कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। केवल तो केवल कुछ % हमारे जो सबका सैनिक है, जो सिपाही से होलदार तक है, उनको थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। जबकि जोड़ा वन रैंक वन कंसैप्ट हैगा, ये केवल तो केवल जवानों के लिए था, जो 40, 45, 35, 40 साल में घर आ जाते हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं और उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। देश के सुदूर हिस्सों से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से समर्थन मिल रहा है। सर, आप कहाँ से आए हैं, आप बताइए जरा। मैं तो केरला से आया हुआ है। केरला से आप आए, इतनी दूर से आए हैं, इतनी उम्मीद लेकर आए हैं, क्या तैयारी है जवानों की? क्योंकि बॉर्डर पे तो सब मुस्तैद रहते हैं, अभी जंतर मंतर के बॉर्डर पे जो आपने मोर्चा संभाला है, उसमें क्या मुस्तैदी दिख रही है? देखो, हमारा केरल का जो निवासी जितना भी है जागरूक है, अब उनका कहना यही है, देखो अगर सेना में हम लोग सैनिक है, अगर सेना से हमको कोई बुलावा आता है, जैसे मान लो छुट्टी पर रहता है, मान लो लड़ाई लग गया, तो हम लोगों को बिस्तर रोल करके अपना घर का जो भी काम है छोड़ के जाना है। तो उसी जैसा इन्होंने हमारे पे फैक्ट के ऊपर भेदभाव किया हुआ है, हमारा मांग सरकार के सामने रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सरकार जब तक उसके ऊपर निगरानी नहीं रहेंगे तब तक हम यही रहेंगे। लेकिन हमारा वहाँ से लोग ने सपोर्ट कर रहा है, वो उनका कहना है जब चाहे हम इधर आने के लिए तैयार है, मतलब उनका सपोर्ट हमारा साथ में है, जब भी आने के लिए तैयार है, सोशल मीडिया से वो बिल्कुल तैयार है। और रिजर्वेशन कब करना है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन करना पड़ता है, ट्रेनों में सफ़र करना है, तो हमसे डेट मांग रहा है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं सरकार हमारा जो प्रतिक्रिया के ऊपर क्या कर रहा है। लगातार आप जैसे संचालन हो रहा है, सारा धरने का हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, सरकार को लगातार आप संदेश भी दे रहे हैं, कोई पत्र सरकार से प्राप्त हुआ, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सरकार ने आपसे किया? नहीं, अभी तक जब 20 से जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरफ से, सरकार से तो है ही नहीं है। और ना लगातार ज्ञापन दे रहे हैं? हाँ, लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, हर तरह से दे रहे हैं, डेली जो भी हम लोग परमिशन लेते हैं, परमिशन के साथ में विज्ञापन भी भेजते हैं, पर किसी भी तरफ से, ना सरकार से ना किसी और तरफ से हमें आज तक कोई इंटीमेशन इसके बारे में मिला है कि आपकी मांगों के ऊपर हम कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आर्मी के आपने एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से अफसर आराम से लेटे हुए हैं और आर्मी के एक जवान को जो चित्र में दिखाया गया है कि उसको उसका खून निकाला जा रहा है और अफसरों को चढ़ाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चित्र से आप? मतलब ये कार्टून जो बनाया है, इसे साफ साफ संदेश तो हमें तो ये लग रहा है कि जो आर्मी के जवान का हक है ना, वो अफसर खा रहे हैं, आपको आप क्या यही कहना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल जी, वो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप जो हमारा कार्टून है उसी से आपको जो है सबूत हो जाएगा। देखिए मैं दिखा कैसे हमारे जवानों का शोषण हो रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखिए वो किस तरह से जवान का शोषण हो रहा है, सीधा एक पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया। क्या लगता है अब आपको कि ऐसे ही ये जो हम इधर बैठे हैं अपनी हकी मांगों के लिए, समानता का अधिकार के लिए, क्योंकि जेड़ा 7वां पे कमीशन हुआ है, आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं, भाए कांग्रेस के टाइम हुए चाहे, क्योंकि BJP के टाइम तो पहला ही पे कमीशन आए BJP की सरकार के, पहले जितने भी हुए कांग्रेस के टाइम हुए हैं, और वहाँ पर जो है जब इक्वल रेशो के ऊपर पेंशन बढ़ती थी, इक्वल रेशो, हम नहीं चाहते कि अफसरों के बराबर हमारी पेंशन करें, लेकिन जिस रेशो से अधिकारियों की पेंशन बढ़ी उसी रेशो से हमारी भी पेंशन बढ़नी चाहिए।
और अगर जवान 10,000 ले रहा है, अफसर लाख रुपया ले रहा है, वो उनका है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके ग्रेड ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे को समानता का अधिकार दिया है आर्टिकल 14 के मुताबिक, हमारा जो MSP से जो रिस्पेक्ट वो बराबर होना चाहिए, वो हमारे बेसिक पेंशन में भी उसमें इफेक्ट पड़ता है। ऐसे जो 7वां पे कमीशन हुआ है, वो जोड़े सर्विंग अधिकारी जोड़े हमारे जनरल थे, जोड़े हमारे माई बाप है, जिनके ऊपर हमारा पूरा देश चलता है, पूरी सेना उनको सल्यूट करती है, उनके आगे ऑर्डर मानती है। अगर उनके ऑर्डर से हमारे को जवान गोली भी खाते हैं बॉर्डरों पे, वो जनरलों के ऑर्डर से होता है। लेकिन उन जनरलों ने हमारे जवानों का नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने खुद तो 2.81 ले लिया, लेकिन उनको उनका हक था, क्योंकि हमारे माई बाप है, वो हमारे अपने बच्चों के लिए भी सोचते, जो उनके ऑर्डर के ऊपर गोली खाते हैं, शहीद होते हैं। तो इसलिए उसका हमारा पे फैक्टर जो अलग अलग होने की वजह ना, हमारी जो ORP रिविजन है सैकड़, उस बहुत ज़्यादा हमारे को ज़्यादा कोई बेनीफिट नहीं हुआ। बेनीफिट हुआ तो केवल सिपाही से होल्डर तक, जो प्री मेचर रिटायर आते हैं उनको कोई बेनीफिट नहीं है। जबकि मोदी जी ने जब 15 में बोला था कि मेरे प्री मेचर जवान जो 70% पेंशन आ जाते हैं, वो ही प्री इसमें ORP के दायरे में रखे जाएंगे, उसमें मोदी जी की हमने सोचेंगे विद्रोह दिली है, उनको 14 से पहले वालों को दिया। लेकिन अभी जो जुलाई 14 के बाद जो जुलाई 19 में ORP रिविजन हुआ है, उसमें प्री मेचर को आउट कर दिया गया। जेड़े साढ़े GSU रैंक है, नायब सूबेदार मेजर है, उन्हीं लेफ्टिनेंट कैप्टन है, उनको बिल्कुल उनकी माइनस पेंशन हो गई है, जो जुलाई 14 से पहले वाले हैं। लगातार बहुत ही परेशानी जवान महसूस कर रहा है। क्या कहेंगे आप, और क्या लगता है आपको, ये सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल, जो देखो बॉर्डर के ऊपर जो जवान लड़ते हैं, जब पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर पे, सिपाही सबसे आगे होता है तो ऑफिसर पीछे होता है, तो गोली जो है भेदभाव नहीं करती, तो ये फिर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आगे कैसे आंदोलन को ले जाएंगे? आप युवा हैं, बाकी तो काफी सीनियर हैं, लेकिन युवा ऐसे जवान भी हैं जो कि आगे बढ़ के और इसको लीड कर सकते हैं, बाकी सारे सीनियर हैं, तो आप यंग हैं, तो कैसे देख रहे हैं, आप कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल, यह युवा को मैं बेनती करना चाहता हूं, एक कि जो घर में बैठे हैं युवा, उनको भी इस धरने में अपनी शमूलियत देनी चाहिए। जो ग्रंथों में लिखा है कि इंसान के मरने से इंसान नहीं मरता, लेकिन इंसान की जो जमीर है उसके मरने से इंसान मर जाता है। इंसान का जमीन है, उसके मरने से इंसान मर जाता है। भगवान जी, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी या भैरों को सुनाने के लिए? सर, मैं तो यही कहूंगा, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि ये कार्टून में क्या दिखा रहे हैं। हम वो इस कार्टून में ये दिखा रहे हैं कि इस देश में कुछ गद्दारों ने हमारी पेंशन का अधिकार और हमारे न्याय को मार दिया है, जिसको लेने के लिए आए हैं। और 1857 के बाद सैनिक पहली बार धरने पे आए हैं, ये सैनिकों का धरना है, और सैनिक इस धरने को फतेह करके जाएंगे और अपनी ORP की मांगों को लेकर जाएंगे। यही हमारा सरकार से संदेश है। सुदूर गांव से लोग आए हैं। आप कहां से आए हैं सर, और ये जो पगड़ी का रंग है ये हमें भगत सिंह की याद दिलाता है, कहाँ से आए हैं? जी हाँ, मैं शहीद भगत सिंह नगर से आया हूँ, मैं सिख रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ। हाँ। ये धरना हमारा जवान और JSU का जिंदगी का पहला धरना है और आखिरी धरना है। ये धरना हम मारते दम तक लड़ेंगे, जब तक मोदी साहब हमारे को मांग पूरा नहीं करता, जब तक हम जय किसान। दिख रहा है सर, जवान बहुत गुस्से में है, कैसे उनको संतुलित करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत धीरज से सब चीजों का जवाब। देखिए हम इस मंच को संचालन कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि जो संवैधानिक तरीके से जैसे हम यहाँ धरने की डेली परमिशन लेते हैं, हमारे को अभी 100-150 बंदे की ही परमिशन मिलती है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ कट शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमने प्रशासन का भी साथ देना है और प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। अभी हम देखते हैं, जब भी कोई अगर हम देखेंगे कि हम 1-2 महीने जितने भी 9 महीने भी बैठना पड़ेगा बैठेंगे, तो वो बैठेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम प्लानिंग भी करेंगे कि अगला कोर्स बिल्कुल बहुत बड़ा हंकार देंगे कि सरकार को जुगना पड़ेगा। 24 को याद रखे सरकार, और जो 13 दे मोदी जी ने हमारे साथ वादे किए थे ना। अच्छा। और वो सैनिकों के बल के ऊपर पहली दफा आए थे। हाँ।
और अभी हम मोदी जी को अपील करते हैं कि आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो, बने रहो इंडिया, बने रहो, लेकिन बने ताबी रहोगे हमारे जवानों की, सुनोगे तो नहीं छोड़ देंगे आप? बिल्कुल, जवान कभी छोड़ते हैं मोर्चा नहीं छोड़ते? पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर में कभी छोड़ा जवानों ने मोर्चा? हम हमारा सरकार के साथ वो वाली लड़ाई नहीं है, बॉर्डर वाली, आर पार की, वो नहीं, हमारी सरकार के साथ अपनी हक की मांगों के लिए संवैधानिक तरीके से जो हमारे बराबरता का अधिकार दिया हमारे को आर्टिकल 40 के मुताबिक, उसके मुताबिक हमने संघर्ष करना है, सरकार से अपनी हक की मांग मांगने हैं, उसके लिए जहां आए हैं, और जूत पड़ेगी तो बहुत बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन भी देंगे। क्या जवानों को संदेश देना चाहेंगे? लगातार आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। जवानों को तो हम संदेश, अभी तक मेरे को इतने फोन आ रहे हैं कि हम सर गाड़ियाँ भर भर के आए, लेकिन हमने रोका हुआ है क्योंकि हमारे को परमिशन जहाँ कम है, अभी हम संकेतक धरना दे रहे हैं। पुलिस को कोशिश करो परमिशन ज्यादा लो, जवान वो लेंगे अभी, इतनी जल्दी नहीं, कभी कभी भी जब लड़ाई करनी होती है ना तो प्लानिंग होती है, पहले हमारी प्लानिंग जा रही है, हमारी वर्कशॉप है जहाँ से ट्रेनिंग लेके लोग जा रहे हैं और लाके गाँव गाँव में जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अगला कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आंदोलन सेंट्रलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा, गाँव गाँव में होगा? नहीं नहीं, आंदोलन सेंट्रलाइज ही हो रहा है, पूरे देश दिया जिनिया जेसीओ जवान, एक्चुअली जड़ी नरोल जेसीओ जवान संस्था ने अफसरों के बगैर उन्होंने हमारे को समर्थन दिया, लेकिन फिर भी अफसर हेडेड अफसर बड़ी ताक में है कि हमारे जेसीओ जवानों को बरगला के, हमारे जेसीओ जवानों को लाच लाच दे के, किसी किस्म का जहाँ पॉलिटिकल एजेंसियां पार्ट अपना सरकारी एजेंसियां ऑफर हमारे को किसी की हिम्मत ही नहीं ऑफर करने की, लेकिन वो कुछ लोग हैं हरेक धरने में, हरेक संघर्ष में, किसानी संघर्ष में भी जयचंद घुसे थे, हमारे बीच भी घुसेंगे, लेकिन हमने उसको पहचानना है, उसको ऐसे निकालना है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, गजब, ठीक है ना। और जयचंद को हमारे को पता है कौन जयचंद है, कौन क्या कर रहा है, जो इस सांझे मोर्चे का समर्थन नहीं कर रहा है अलग तौर पे प्रोग्राम लिख रहा, सब लोग जयचंद है हमारे जेसीओ जवानों के, जेसीओ जवानों की पिठ में सुराग, जब हमने पूरे देश के जेसीओ जवान संगठन को निमंत्रण दिया था 20 फरवरी को, तब वो कहाँ थे, जब हम 14 नवम्बर को जहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग किया था तब वो कहाँ थे, जब हमने प्रोग्राम दे दिया पूरे देश के जेसीओ जवान संस्थाओं ने, जब दूसरी संस्था जड़िया अफसर हेड संस्था उन्होंने कहाँ से याद आ गई, अगर वो वाकया जेसीओ जवानों के अगर वाकया जेसीओ जवानों के हकों के लिए वो लड़ाई लड़े हैं तो हमारे सांझे मोर्चे के साथ आए, जैसे कि 100 तो वध जड़िया जेसीओ जवान संस्था हमारे को समर्थन दे चुकिया ने, इस करके असं बेनती करते हैं पूरे देश के सबका सैनिकों को, अभी इस बार आपने अपने हक लेने ने, क्योंकि फर्स्ट और आखिरी लड़ाई है हमारी जेसीओ जवानों की, यहाँ जिनकी मौत का सवाल है, हम उन शहीद परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन वीर नारियों के लिए लड़ रहे हैं, उन प्री मेचर वालों के लिए लड़ रहे हैं, उन रिजर्विस्ट जो 5-7 साल करके 3-3 लड़ाइयाँ लड़के आए, उनकी ना तो ORP 1 में बढ़ी, ना ORP 2 में पेंशन बढ़ी, हम अपने लिए नहीं लड़े, हम अपने देश के सबका सैनिक वीर नारियाँ उनके लिए लड़े हैं, ताकि असी उनको उनके बनते हक, उनके बनते जड़े अधिकार वो दिला सकीए, बाकी मैं देश के पूरे सबका सैनिकों बेनती करता कि उन जयचंदों को पहचानने की लड़ है, उन जयचंदों का साथ नहीं देना, और जो साझा मोर्चा जहाँ से हम जो प्रोग्राम देंगे उसको हम आपके चैनल मीडिया के थ्रू दस दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा ये संकेतक धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। एक मिनट, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे कि इन्होंने साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, हमारे देश में आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे चल रहे हैं, उसमें अफसर को ये मिलेगा, जवान को ये मिलेगा, भाई एक इक्वल MSP इज द सेंसस ऑफ द हार्डशिप फॉर द सोल्जर्स, तो वो सोल्जर सिपाही आगे खड़ा होता है, जेसीओ आगे खड़ा होता है, अफसर बंकर में बैठता है, उसको 1550 रुपये MSP, जवान को 15,500 और इसको 5,200, इसका ये कहाँ का न्याय है? हॉस्पिटल में आप जाइए ECHS में, अफसर के लिए अलग लाइन है, 2 मिनट में जाता है, दवाई लेकर निकल जाता है, वहाँ एक 80 साल का आदमी लाइन में खड़ा है, बीमार भी है वो, मतलब उसको चला भी नहीं जा रहा है। भेदभाव को मिटाने के लिए सबका संघर्ष कमेटी, मैं तो वेटरन सुखबीर सिंह ऑल इंडिया एक्सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हूँ, बट मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी केवल लड़ाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, भेदभाव के अगेंस्ट है, क्योंकि क्या जवान की अफसर की गोली से 10 एनिमी मरते हैं, जवान की से एक मरता है, या जवान अकेले उसको उतनी हार्डशिप जवान को ज्यादा है, बल्कि अगर MSP मिले तो जवान को मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए, उनको कम मिलनी चाहिए। नर्स जो कभी जाती ही नहीं है आगे तक, उसको तो आप 10,500 दे रहे हो, और उसको वो तो केवल हॉस्पिटल पीछे बैठी रहती है ना, पर उसको दे रहे हो क्योंकि वो अफसर बना दी गई है आपके रूल में,
तो हम अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक होती थी प्रोराटा पेंशन, अफसर अगर 10 साल में सर्विस से बाहर आता है तो उसको पेंशन मिलेगी, जवानों को नहीं मिलेगी। अगर वो 10 साल में किसी कारण बस मेडिकल ग्राउंड पे किस पे अगर उसको बाहर निकाल दिया तो उसको नहीं मिलेगी 15 साल से पहले। बट हमने उस केस को लड़ा और जीते, और आज उनको सबको अगर कोई भाई यहाँ हो जिसकी 10 साल से ज़्यादा नौकरी हो वो मेरे पास आए मैं उसको पेंशन दिलवाऊंगा। डिसेबिलिटी पेंशन, भाई जवान को भी तो गोली लग के उसके भी तो पैर कटे हैं, उसको कुछ नहीं। वीर नारी जो उसके हस्बैंड भी तो वहाँ शहीद हुए, उसकी पेंशन 1800 रुपये और उसकी पेंशन 5600 रुपये, ये कहाँ से डिफरेंस हुआ? डिफरेंस इतना पैदा कर दिया ये हमारे ही जो हम अपने माई बाप मानते हैं अफसरों को, उन्होंने इसको हाईजैक करके हमें कभी ना किसी मीटिंग में ले जाते हैं, ना हम में से क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, हमें बाहर बैठा के और दो अफसर जाके वो अफसरों के लिए जो जो बेनिफिट है लेके चले आएंगे। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।